नमस्कार, दृष्टि IAS की टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज की टू द पॉइंट का टॉपिक है अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में विवादित भूमि पर आज ही एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। CJI की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। पूरी विवादित जमीन मंदिर निर्माण के लिए दे दी गई है। कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए उपयुक्त जगह देने का निर्देश दिया है। वहीं केंद्र को 3 माह के अंदर मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने का निर्देश भी दिया गया है। कोर्ट ने ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का हवाला दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुरातात्विक साक्ष्यों को केवल एक विचार भर मानना ASI की अवमानना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 142 के तहत दिया गया आदेश संसद द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से लागू होता है। जब तक संसद इससे संबंधित विधि न पारित करे, तब तक राष्ट्रपति के आदेश द्वारा बताई गई विधि से यह लागू किया जाता है। बात करें अयोध्या में उत्खनन की पृष्ठभूमि की। AE कनिंघम ने 1862 से 63 में अयोध्या में सबसे पहला सर्वेक्षण किया था। कनिंघम के सर्वेक्षण का मकसद बौद्ध स्थलों का फिर से पता लगाना था। कनिंघम ने माना था कि वर्तमान अयोध्या रामायण काल की ही अयोध्या है। अयोध्या में 1969 से 70 के दौरान उत्खनन करने वाले AK नरेन के अनुसार अयोध्या में मानव आवास के प्रमाण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। नरेन ने यह भी माना था कि इस क्षेत्र में बौद्धों की उपस्थिति के मजबूत प्रमाण थे। ASI के बारे में बात करें तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए योजना का निर्माण सर्वप्रथम 1848 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। कनिंघम को दिसंबर 1861 में ASI का पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया था। राय बहादुर दयाराम साहनी ASI के पहले भारतीय महानिदेशक बने थे। ASI संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। यह देश की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है।